अगर रोजगार मुहैया करती है तो ठीक है, नहीं तो हम 100 महिलाएं जो इस इतिहास में पहली बार अर्धनग प्रदर्शन पे उतर जाएंगे, पहली बार अर्धनग प्रदर्शन पे उतर जाएंगे तो बेरोजगारी की तर तर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हम वंचित बेरोजगार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ बैनर तले आज हमने धरना आयोजित किया है सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए। हम वंचित बेरोजगार विद्यार्थी मित्र 2017 से जो पंचायत सहायक भर्ती हुई थी उस समय से बेरोजगार चल रहे हैं और आज 5 साल हो गया हमें आंदोलन संघर्ष करते हुए, लेकिन सरकार की अभी तक जू नहीं रेंग रही है कि हमारे साथ न्याय करे। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम सबको संविदा कर्मियों को परमानेंट करने जा रहे हैं, हमने 1,10,000 लोगों को नौकरियाँ दी है, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कहाँ है वो नौकरियाँ जो आज बेरोजगारों को यहाँ दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। तो इस अशोक गहलोत सरकार से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे साथ ये दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये सौतेला व्यवहार हम 6,500 परिवारों के साथ ही क्यों, जाकि सभी को कुछ न कुछ मिल रहा है। आज सरकार सभी को, पेरा टीचरों को, पंचायत सहायकों को और आंगनबाड़ी वालों को सबको तोहफे बांट रही है, यहाँ तक कि स्मार्टफोन भी बांटे जा रहे हैं महिलाओं को। लेकिन आज हमारे संघर्ष संगठन में हजारों महिलाएं जो बेरोजगार हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनके तरफ सरकार का क्या ध्यान नहीं जा रहा है कि सरकार नहीं चाहती इन लोगों को भी रोजगार दिया जाए। हम समय रहते अगर ये सरकार हमारे साथ न्याय करती है और हमको 2022 जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें जो पंचायत सहायक भर्ती अधूरी पड़ी है, जो पद खाली पड़े हैं, और ये सरकार हमें अगर उसमें रोजगार देके मुहैया करके 2022 में शामिल करती है तो ये सरकार संवेदनशील कहलाती है। अगर ये सरकार ये नहीं करेगी तो हम आर पार की जंग लड़ने के लिए आज से इस स्मारक पर बैठे हुए हैं और हम किसी भी हालत में यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे साथ अत्याचार कराए, कुछ भी कराए, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और डटे रहेंगे जब तक हमारी वाजिब मांगे हमारी नहीं मानी जाती है। दूसरी बात, एक बात और मैं सरकार तक पहुँचाना चाह रही हूँ, हमने सरकार को प्रेस नोट भी जारी करवाए हैं, अभी 2-4 दिन से हमने सरकार को प्रेस नोट भेजे गए हैं। उन प्रेस नोटों में हमने सरकार को अल्टीमेट दिया है कि अगर सरकार समय रहते इन आचार संहिता लगने से पहले हम 6,500 बेरोजगारों को अगर रोजगार मुहैया करती है तो ठीक है, नहीं तो हम 100 महिलाएं जो इस इतिहास में पहली बार अर्धनग प्रदर्शन पे उतर जाएंगे। और ये सरकार को हमने अल्टीमेट दे चुके हैं, भूख हड़ताल करेंगे, इच्छा मृत्यु तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे और अंतिम क्षण तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। गहलोत साहब से हमारी ये मुख्य मांग है कि हम 2017 के अंदर पंचायत सहायक भर्ती से बाहर हो गए थे, हम वास्तविक हकदार थे, उसके बजाय हम बेरोजगार हो गए। और विद्यार्थी मित्रों का हमारे पास अनुभव है 4-4, 5-5 साल का, उसके बावजूद हम आज तो बेरोजगारी की दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो मैं तो गहलोत साहब से ये मांग कर रहा हूँ कि संविदा सेवा नियम 2022 बनाए, उसमें हमें भी एडॉप्ट करके हमें भी विद्यालय सहायक पद पर नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा है, आज हम बेरोजगारी के दिन काट रहे हैं। जब हमने काम किया था तब अल्प मानदेय में मात्र 2700 रुपये में हमने नौकरी की थी और हमारा ये सपना था कि हमें नौकरी देगी गवर्नमेंट, नियमित हमें भर्ती करवाएगी और शिक्षा सहायक विद्यालय सहायक इन सब भर्तियों को निरस्त कर दिया है इन सरकारों ने। बीजेपी आई शिक्षा सहायक को रद्द किया, कांग्रेस आई विद्यालय सहायक भर्ती को रद्द किया। तो हम ये कह रहे हैं ये सेवा नियम बना रहे हैं संविदा से, संविदा में ही तो ले रहे हैं ना, तो हमने भी संविदा का कार्य किया हुआ, हमारे पास भी अनुभव प्रमाण पत्र है, डीओ से जारी हुआ, तो हमें भी एडॉप्ट करके डायरेक्ट विद्यालय सहायक के पद के ऊपर संविदा में ही तो लग रहे हैं, तो हमें नियुक्ति दी जाए।